इंडिया इज एन आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। कोई इसमें गाइडलाइन नहीं, कोई कानून नहीं है, तो भी ये फैलती चली गई। 2011-12 एक ऐसा समय था जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे मुश्किल समय कहा जाता है। बार बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलके मुझे ये लगा कि यस, एक कोई कानून की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग को लीगल रिकॉग्निशन मिल गया है, सोशल रिकॉग्निशन भी मिल गया है, कुछ यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जाने लग गया है, लेकिन उसके बावजूद आज भी डायरेक्ट सेलिंग को अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता। डायरेक्ट सेलिंग में आपको बहुत विनम्र होना पड़ेगा, आपको बहुत धीरज से काम करना पड़ेगा। ओवरनाइट इसमें कोई पैसा बना नहीं सकता और न बन सकता, और कोई भी ऐसी बिजनेस नहीं है जहाँ की ओवरनाइट पैसा बन सकता।